गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और जहां भी होंगे एकदम धमाल में होंगे। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि कुछ जगहों पर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगा हुआ होता है और उस ट्रांजिशन इफ़ेक्ट में साउंड भी ऐड होता है। तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि कैन मास्टर में तो सिर्फ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाने का ऑप्शन होता है, तो ये लोग उसमें साउंड कहाँ से जोड़ देते हैं। तो गाइस साउंड इफ़ेक्ट या फिर ट्रांजिशन साउंड इफ़ेक्ट को कहाँ से डाउनलोड करना है और उसे परफेक्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है, आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे। इससे पहले जो भी बंदे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो वक्त पर मिल जाया करे। तो गाइस ट्रांजिशन इफ़ेक्ट में साउंड कैन मास्टर से ही लगाया जाता है और आप भी लगाना सीख जाएंगे। शर्त यह है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं कैन मास्टर स्क्रीन पे। ओके, हम आ चुके हैं कैन मास्टर स्क्रीन पे और आने के बाद मैंने यहाँ पे 3-4 फ़ोटोज़ को ऐड कर लिया है। आप भी इस मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करके फ़ोटो या फिर वीडियोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इन सब में ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को ऐड कर लेते हैं। गाइस अगर आपको अभी तक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को ऐड करना नहीं आया है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छे से ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को यूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से इन सब में ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को ऐड कर लेते हैं अपने हिसाब से। ओके गाइस, मैंने सब में ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को ऐड कर लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें साउंड को कैसे ऐड करना है। तो साउंड को ऐड करने के लिए तो आपको यहाँ पे रेड कलर का एक लाइन दिखेगा, आपको सबसे पहले इस ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के पास ले आना है इस तरह से, और बीच में लाने के बाद आपको इस ऑडियो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे SFX का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली इस स्टोर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो भी साउंड इफ़ेक्ट्स अच्छा लगे उसको आप यहाँ से सुन सकते हैं और सुनने के बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट वाला साउंड डाउनलोड करने के लिए आपको हिट एंड वूश पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आ जाना है और नीचे आपको वूश का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है इसीलिए यहाँ पे इंस्टॉल लिख के आ रहा है। तो डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली किसी भी डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने एक इसको डाउनलोड कर लिया है और दूसरा स्मैश वाले को डाउनलोड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉप वाले को भी डाउनलोड कर रखा है क्योंकि ये भी मुझे काम आने वाला है। और आपको एक और साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, वो है स्लाइडिंग स्वर्ड, आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है क्योंकि ये भी काम आने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे हुश का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है जिसे हमने अभी डाउनलोड किया था वहाँ से। तो आपको यहाँ पे 4-4 साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस वाले साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ करता हूँ, मिड हाई। तो इसको ऐड करने के लिए आप इस प्लस के निशान पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है और आगे भी आपको थोड़ा सा इस तरह से ला के और इसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आगे भी आपको इसी तरह से ऐड कर देना है। और आखिरी वाले में हम स्लाइडिंग स्वर्ड की मदद लेने वाले हैं, तो अब इस पर क्लिक करके मैं दूसरे वाले साउंड इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है और अगर अच्छे से साउंड इफ़ेक्ट ना लगे तो आप इसको थोड़ा सा आगे या पीछे भी इस तरह से कर सकते हैं तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा। और एडजस्ट करने के बाद अगर किसी में साउंड कुछ कम हो तो आप उस पर क्लिक करके और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका साउंड हाई कर सकते हैं। आप इसको पूरा फुल कर दीजिएगा तो ये हाई हो जाएगा और आपको इसे भी इनेबल कर देना है ताकि आवाज़ और भी हाई हो जाए, और यहाँ से डन कर देना है। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि मेरा साउंड इफ़ेक्ट कैसा तैयार हुआ है और किस तरह से लगा है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपने इस छोटी सी वीडियो से अपनी वीडियो में ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के साथ साउंड को ऐड करना सीख लिया होगा।
तो गैस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो हमेशा वक्त पे मिल जाया करे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।